हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कल तो मैं फ्रंट मास्टर सिलेंडर का किट जो भी है, मतलब पूरा असेंबल चेंज कर ही दिया, और आज मैं लाया हूँ ये डिस्क और ये डिस्क पैड। तो दोनों मिला के मेरे को पेड करना पड़ा था 1225 रुपये, और अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका क्या प्राइस है और ये कैसा है। तो डिस्क जो है क्रैक कर गया था दो जगह से, और घिस तो बहुत ज़्यादा गया था। वो मैं आज जब आप लोग जब खोल लूँगा वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कितना क्या घिसा है। और डिस्क पैड तो होता क्या है कि डिस्क पैड जो है ना बहुत ज़्यादा ही घिस गया है, और ये डिस्क पैड जो है ASK ब्रांड का था। तो इसमें क्या होता है कि आयरन का पार्टिकल बहुत कम होता है जो मैं ASK का लगाया हूँ, और इसमें नॉइज़ जो आवाज़ करती है डिस्क वो कम होती है नॉइस, लेकिन घिसती बहुत ज़्यादा है। और ये जो है ये ओरिजिनल वाली, इसमें आयरन की पार्टिकल बहुत ज़्यादा रहती है और ये नॉइज़ करता है, तो इसीलिए हम जो है तो अवॉइड कर रहे थे। लेकिन इस बारी क्या करेंगे कि पैड भी नया ही है, एकदम जेन्युइन पार्ट है, और डिस्क भी नया ही है, तो दोनों को मैं डाल के देखता हूँ क्या कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइस है 981 और ये डिस्क पैड का दाम है 303। तो ये दोनों का कैलकुलेट हो जाएगा 1284 रुपये, जो कि मैं 1225 में लाया हूँ, और 25 रुपये का मैं एक ब्रेक फ्लूड भी लिया था, क्योंकि एक फ्लूड से नहीं हो पाया फ्रंट में, थोड़ा सा और लेना पड़ गया था। तो इसके लिए पहले हमको यहाँ से नट खोलना पड़ेगा, एंड उसके बाद फ्रेंड्स ये डिस्क जो है निकाल लेना है, तो डिस्क कैलिपर। तो फ्रेंड्स, खोलने से पहले यहाँ का जो एक नट है कैलिपर वाला, ये आपको खोल लेना, तो खोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए पहले इसको हम खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, खोलने के बाद ये जो है कैलिपर इसको इधर खींच लेना है। एक्चुअली ये जो घिसा हुआ है ना, तो इसमें ये अटक जा रहा है, तो इसको हमको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। ये जो है ये पार्ट व्हील में रहता है, के बाद ये कैलिपर रहता है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें लगाते समय। तो ये क्रैक वाला जो है सीन वो आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पे क्रैक है, यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो तीन जगह है क्रैक इसमें। वैसे ये खोलने में दिक्कत होगा थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इस कैलिपर में पैड तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो हम लोग पहले कैलिपर का काम कर लेंगे। तो इस कैलिपर में सिर्फ एक ही नट रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है इसमें हल्का सा मैं ग्रीस लगा के फिर इसको ऐसे ही लगा दिया जैसे फ्रंट ब्रेक में किया था, और उसके बाद ये पिस्टन जो है इसको आपको अंदर करना पड़ेगा, तो इसमें एयर बना हो, तो इसको मैं जैसे ही अंदर करता हूँ ये बाहर की ओर फेंक देता है। इसमें जो 8 नंबर का रिंच लगेगा। इसका ये जो है ये भीतर चला गया है, क्योंकि इसमें जो है एयर बन गया था, हल्का सा एयर बना था, और फ्लूड भी अगर आप ज़्यादा डाल दोगे फ्लूड कैप में, तो उससे भी आपका जो है ये अंदर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हमें ये पैड लगानी है। तो फ्रेंड्स, ये कैलिपर का काम कंप्लीट हो गया, तो अब हमें काम करना है डिस्क का। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है बहुत ज़्यादा मशक्क़त होता है करवाने में, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद से इसे ना करें, कि ये खुद से होने वाला चीज़ नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें परेशानी होती है नट खोलने में। लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो अभी हम इसको लगाते हैं, फेविक्विक इसमें डाल दिया गया था लगाने के बाद। तो फ्रेंड्स, ये हब रबर जो है ये भी घिस गया था, यहाँ पे आपको दिख सकता है, और ये देखिए क्या हालत हो गया, कट गया है, तो ये भी मैं नया ही लगा देता हूँ। तो इसका प्राइस पड़ा था 156, मैनुफैक्चर है 2020 का ही, तो आप शायद 2021 में खरीदोगे तो शायद ज़्यादा पैसा पे करना होगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, ये घाट जो है ये 4 घाट जो कि इस हब में बैठेगा यहाँ। फ्रेंड्स, ये जो है ये गुटका आपको दे के कसना होगा, और इसके बाद आपका कैलिपर आएगा, और ये पार्ट जो है ये इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये बैठ गया है, धुरी को जैसे ही प्रेस करोगे ये लग जाएगा सही से करके।
ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया डन। तो अभी थोड़ा सा घिसेगा क्योंकि ये जो है नया सब कुछ लगा है, तो इसको एडजस्ट होने में थोड़ा 5 से 10 मिनट आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद ये फ्री हो जाएगा।